मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 19 और 20। मेरे प्यारे विश्वासियों, आज माता कलिसिया संत अंद्रयूस का पर्व मनाती है, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य थे, करीबी शिष्य थे। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य के पहले वो संत योहन बपतिस्ता के थे, साथ थे, उनके शिष्य थे, और दोनों मिलकर प्रभु के आने के इंतजार करते थे। जब योहन ने अंद्रयास को प्रभु यीशु मसीह, जो ईश्वर के मेमने थे, उनको इंगित किया, तब वो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने लगा। साथ ही उतना ही नहीं, वो अपने साथ अपने भाई पेत्रुस को भी प्रभु के पास लाया। जैसे संत योहन सुसमाचार में लिखा है, अध्याय 1 पद संख्या 40 ए 42, प्रिय भाइयों बहनों, संत अंद्रयास एक अग्रज होने के बाद भी अपने अनुज भाई पेत्रुस के नेतृत्व में काम किया। पेत्रुस से बड़े अंद्रयास थे, लेकिन जब पेत्रुस उनके आगे बढ़े, जब पेत्रुस को प्रभु ने सही जगह दिया, वो उनके साथ काम करते हैं, क्योंकि अंद्रयास को पता था पेत्रुस अपना कार्य नहीं, लेकिन ईश्वर प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर का निर्णय मनुष्यों के कर्मों पर नहीं, बल्कि बुलाने वाले का स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। याद रखिएगा, ईश्वर का निर्णय मनुष्यों के कर्मों पर नहीं, बल्कि बुलाने वाले के स्वतंत्र चुनाव पर निर्भर है। और वह हम संत अंद्रयास में देखते हैं, जो शक्ति उनमें थी, जो धाड़स उनमें था, जो भरोसा उनमें था, जो प्रभु के इच्छुक शिष्य बनकर उनके सत्य कार्य करना चाहते थे। आज हमें भी प्रभु बुलाते हैं, शायद उन शिष्यों के समान नाम पुकार कर नहीं, लेकिन हमारे आंतरिक रूप में, आध्यात्मिक जीवन में एक सही रीति से जीवन बिताने के लिए, ये सही मायने में अच्छे ख्रीस्तीय इंसान बनने के लिए बुलाते हैं। हमारा प्रतिक्रिया क्या है? किस प्रकार प्रभु का बुलावे को हम स्वीकार करते हैं? किस प्रकार उस बुलावे को स्वीकार करने के बाद प्रभु के साथ चलने के लिए कोशिश करते हैं? आज हम यही सीखना है। जैसे हर मछुए के समान संत अंद्रयास भी एक सहिष्णु, सहनशील और साहसी थे। ये इन तीन गुण मछुआरे में हम पाते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय पानी में काम करना है। पता नहीं पानी में कब लहरें उड़ जाएंगे, कब आंधी तूफान आएगी, पता नहीं होता, लेकिन उनके साहस चाहिए, सहिष्णुता चाहिए। मछली जाल डालने पर तुरंत नहीं मिलती है, इंतजार करना पड़ता है। इन्होंने प्रभु का संदेश को हमारे इस इलाके में, यानी एशिया माइनर में फैलाया, और आखिरकार उन्हें शहादत होना पड़ा। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें, कृपा मांगे, किस प्रकार प्रभु का सुसमाचार को हमारे जीवन द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे बोलचाल द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हम कितने सहिष्णुत हैं, सहनशील हैं, और साहस हमारे अंदर है। आइए कृपा मांगे, संत अंद्रयास के द्वारा हम भी प्रभु के साथ अपने जीवन बिताएं, और एक नेक इंसान, उसके बाद एक नेक क्रिस्ते बनने के लिए कृपा मांगे।